हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री विद स्पार्क। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे, उनको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट हर एक सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है ना। इसका भी पार्ट फर्स्ट आपका हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम जो आगे का पार्ट है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ आपने अगर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, जहाँ पे आपको डेली क्विजेस, पोस्ट, अपडेट्स, ठीक है, PDFs, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे प्रोवाइड होता है। अगर आपने अभी तक जो है उनसे कनेक्ट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे क्या करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उसके साथ शेयर करो, ठीक है। सो दैट आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, आपके जो वीडियो है, आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी हो गए, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं उनके काम आएंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होगा, नॉलेज तो स्प्रेड करनी चाहिए ना। सो दैट बेसिकली क्या होगा, जब आप किसी को जिस चीज़ अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हो गए या कुछ हो गए आप उन्हें शेयर करते हो तो उनके लिए भी क्या रहता है, वो बेनिफिट करती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो मस्टर्ड शुड बी यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप इन कैबेज, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है। कैबेज एंड कॉलीफ्लावर में जिसको आप ट्रैप क्रॉप की तरह यूज़ करोगे वो क्या है, आपका मस्टर्ड है, ठीक है। मस्टर्ड को आप कैबेज एंड कॉलीफ्लावर में एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ करोगे, ठीक है। किससे बचाने के लिए आप उसमें ट्रैप क्रॉप जो है मस्टर्ड लगाते हो, ठीक है। ट्रैप क्रॉप का मतलब बेसिकली यह होता है, जब आपका कोई एक जो आपका इंसेक्ट है वो इस क्रॉप में हार्म ना पहुंचा के जब आप मस्टर्ड लगा दोगे तो वो इस पर आपका अटैक करता है, तो इससे आपकी जो मेन क्रॉप है वो बच जाएगी। तो कैबेज और कॉलीफ्लावर के अंदर हम अपनी मेन क्रॉप को बचाने के लिए जो ट्रैप क्रॉप लगाते हैं वो है मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड लगाते हैं, लेकिन किससे बचाने के लिए लगाते हैं, तो वो है डायमंड ब्लैक मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम है दैट इज प्लूटेला ज़ाइलोस्टीला, ठीक है। एंड आप किस रेशियो में लगाते हो, तो 2:25 इस रेशियो में बेसिकली आप क्या लगाते हो, मस्टर्ड को यूज करते हो एज योर ट्रैप क्रॉप। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, कैस्टर शुड बी यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप इन चिलीज अगेंस्ट दी दैट इज पोडोप्टेरा ल्यूटेरा, ठीक है। कैस्टर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, चिली के लिए यूज़ करते हैं। चिली के अंदर जो हम ट्रैप क्रॉप लगाते हैं वो कैस्टर लगाते हैं, कैबेज कॉलीफ्लावर में हम जो ट्रैप क्रॉप लगाते हैं वो मस्टर्ड लगाते हैं। वहीं मैरीगोल्ड शुड बी यूज एज अ ट्रैप क्रॉप इन टोमेटो, टमाटो के अंदर जो हम ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं वो कौन सी है आपकी, दैट इज योर मैरीगोल्ड। ओके, मैरीगोल्ड को हम कैसा यूज़ करते हैं, एज अ ट्रैप क्रॉप अगेंस्ट दी हेलियोलिथिस आर्मीजीरा, ठीक है। जो आपका हेलियोलिथिस आर्मीजीरा है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम टोमेटो में क्या लगाते हैं, मैरीगोल्ड लगाते हैं। कैस्टर हम चिली में लगाते हैं किससे बचाने के लिए, दैट इज पोडोप्टेरा ल्यूटेरा से बचाने के लिए। वहीं ओकरा, ठीक है, ओकरा को हम ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं कॉटन में, ठीक है। कॉटन के अंदर जो एरियस विटेला है इससे बचाने के लिए जो हम कॉटन है उसके अंदर जो ट्रैप क्रॉप का यूज़ है वो करते हैं, वो है कॉटन में जिस ट्रैप क्रॉप का यूज़ हम करते हैं वो है ओकरा। ओके, सो ये आपके कुछ ट्रैप क्रॉप्स हो गए, प्रीवियसली मैंने आपके जो ट्रैप क्रॉप्स हैं वो बताए हुए हैं। वहीं अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, यानी एक क्रॉप आपने मेन क्रॉप लगाई उसके बाद आपने दूसरी क्रॉप लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो जब टमाटो और कैबेज की इंटरक्रॉपिंग करते हैं किस रेशियो में, यानी एक लाइन टोमेटो की एक लाइन कैबेज की, ठीक है, ये एक टोमेटो की हमने लगा दी और एक लाइन कैबेज की लगा दी 1:1 में, तो ये आपको बचाता है किससे, DBM से, दैट इज डायमंड ब्लैक मॉथ, इसका नाम है प्लूटेला ज़ाइलोस्टीला, ठीक है। वो पूछेंगे कौन सी क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग से आपका जो डायमंड ब्लैक मॉथ है इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो कैबेज एंड आपका दैट इज़ योर टोमेटो, ठीक है। टोमेटो के साथ कैबेज लगाओगे तो वो आपकी जो डायमंड ब्लैक मॉथ है उसमें आप उससे प्रोटेक्शन कर लोगे अपनी क्रॉप का। वहीं हम देखेंगे जब आप कॉटन और काउपी लगाते हैं तो ये आपके जो दैट इज कोसिनाइड प्रीडेटर अगेंस्ट दी स्पॉटेड बॉलवर्म, ठीक है। यानी जब आपने कॉटन में क्या लगा दिया है, काउपी लगाई है, तो ये आपको जो स्पॉटेड बॉलवर्म है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ मैंने बताया टोमेटो में कैबेज लगाओगे तो डायमंड ब्लॉक मॉथ, जिसका नाम है प्लूटेला ज़ाइलोस्टीला। कॉटन में काउपी लगाओगे तो आपका दैट इज अ स्पॉटेड बॉलवर्म से प्रोटेक्शन होगी। ग्राउंड नट में अगर आप काउपी लगाओगे, ठीक है, ग्राउंडनट के साथ आपने क्या लगा दिए, काउपी लगाई है, तो रेड हेयरी कैटरपिलर से आपका प्रोटेक्शन, यानी वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अट्रैक्ट द रेड हेयरी कैटरपिलर एंड हेल्प्स एज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर द रेड हेयरी कैटरपिलर की मॉनिटरिंग के लिए भी वो आपका हेल्प करेगा। ग्राउंडनट में क्या लगाना, दैट इज काउपी।
वहीं हम देखें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, अगर नाइट्रोजन कंटेंट हाई रहता है तो उससे क्या होता है, पेस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। वहीं अगर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का कंटेंट लो रहता है तो जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो लो रहती है, ठीक है ना। ओके, नाइट्रोजन कंटेंट हाई रहेगा तो पेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस का जो कंटेंट है वो लो रहेगा तो पेस्ट की पॉपुलेशन कम रहती है। नाउ यूज़ ऑफ टेम्परेचर मॉइस्चर, जब आप टेम्परेचर का यूज़ करके, मॉइस्चर का यूज़ करके, हीट का यूज़ करके, इरेडिएशन या फिर कलर अट्रैक्शन, इन सब का यूज़ करके क्या करते हो, जनरली अपनी प्रोटेक्शन करते हो आप, या उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो इंसेक्ट्स वगैरह को, पेस्ट को, तो वो आपके क्या होते हैं, फिजिकल कंट्रोल। किससे, हीट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ठीक है ना, इरेडिएशन, इन सब चीज़ों का यूज़ करके, कलर अट्रैक्टेंट, ठीक है, इन सब का यूज़ करके जब आप बचाते हो तो वो आपका फिजिकल कंट्रोल में आ गया। ओके, वहीं अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब फिजिकल कंट्रोल में देखते, लोअर टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, ठीक है, लोअर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको क्या बढ़ जाए, मतलब करेगा, प्रिवेंट द डैमेजेस बाय इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का डैमेज है उससे प्रिवेंट करता है, ठीक है, इंसेक्ट डैमेज को क्या करेगा, प्रिवेंट करता है। ओके, इट प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट, नहीं होने देता ये डैमेज। वहीं फ्लेम थ्रोअर, ठीक है, नहीं, आग के जो गोले तरीके से फेंकते हैं तो ये लोकस को कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंट है दैट फ्लेम थ्रोअर इज जनरली यूज्ड टू कंट्रोल द लोकस। ना बर्निंग टॉर्च, बर्निंग टॉर्च का आप यूज़ करते हो ड्रम स्टिक हेयरी कैटरपिलर को जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बर्निंग टॉर्च, ड्रम स्टिक हेयरी कैटरपिलर, फ्लेम थ्रोअर, लोकस एंड लोअर टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस प्रिवेंट द डैमेजेस बाय इंसेक्ट। येलो स्टिकी ट्रैप्स और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स बहुत कॉमन है, जनरली यूज़ होते हैं। सो ब्लू स्टिकी ट्रैप्स आपके होते हैं थ्रिप्स के लिए, वहीं येलो स्टिकी ट्रैप्स आपके होते हैं वाइट फ्लाई एंड एफिड। किसके लिए होते हैं, वाइट फ्लाई एंड एफिड। ब्लू स्टिकी ट्रैप्स थ्रिप्स के लिए होते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप्स आपके वाइट फ्लाई एंड एफिड के लिए होते हैं। वहीं जब आप एक्सरे एंड गामा रेज का यूज़ करते हो तो आप किसका प्रोटेक्शन करते हो, दैट इज कंट्रोल्ड स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, जो आपके स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनसे आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन कैसे पा सकते हो, स्टोरेज ग्रेन जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनसे बचने के लिए आप एक्सरे या गामा रेज का यूज़ करते हो। ब्लू स्टिकी ट्रैप्स आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने में करते हो, येलो स्टिकी ट्रैप्स आप वाइट फ्लाई एंड एफिड को कंट्रोल करने में करते हो। इंफ्रा रेड रेडिएशंस के वजह से आप राइस विविल जो है उससे कंट्रोल पा सकते हो, किससे, राइस विविल। ओके, वहीं यूवी लाइट का जब आप यूज़ करते हो किस टाइम से, 320 से 380 नैनोमीटर की जब आप यूवी लाइट का यूज़ करते हो तो आप फ्लाइंग इंसेक्ट जो हैं उनसे प्रोटेक्शन पाते हो, उनसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, यूवी लाइट्स का यूज़ 320 से 380 नैनोमीटर की, तो फ्लाइंग जो इंसेक्ट्स हैं उनसे, ठीक है, एंड दीज फ्लाइंग इंसेक्ट कैन बी किल्ड बाय द करंट्स, ठीक है, जो आपकी तेज़ हवा चल रही होती है उनसे भी किल्ड हो जाते हैं। इंफ्रा रेड रेडिएशन, राइज विविल, यूवी एंड आपके जो एक्स रे हो गई और गामा रेज हो गई तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, ओके, इंफ्रा रेड, राइज विविल, ओके, एंड यूवी रेज जो मैंने बताया वो आपकी कौन सी होती है, दैट इज जो आपके फ्लाइंग इंसेक्ट्स हो गए। नाउ मैकेनिकल कंट्रोल, तो यूज ऑफ मैनुअल फोर्स और मैकेनिकल डिवाइसेस, जिसमें आप मैनुअल फोर्स का यूज करते हो और मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करते हो, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करना, मैनुअल फोर्स का लगाना, तो वो आपके किस में आते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल, क्या करने के लिए, जो भी आपके इंसेक्ट है उसको डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसेक्ट बाय द मैनुअल फोर्स और बाय द मैकेनिकल डिवाइसेस आर कॉल्ड मैकेनिकल कंट्रोल। जैसे आप हुकिंग, हुकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो राइनोसोर बीटल होते हैं कोकोनट क्राउन में, उसके अडल्ट को रिमूव कर सकते हो। यू हैव टू रिमूव योर रिमूव द अडल्ट ऑफ योर राइनोसोर बीटल फ्रॉम द कोकोनट क्राउन बाय हुकिंग। सीविंग एंड वीविंग, विनोइंग से जो आपके स्टोर ग्रेन पेस्ट हैं आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। वहीं बैंडिंग ऑफ स्टिकी मटेरियल, जो आप स्टिकी मटेरियल लगाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंडिंग ऑफ स्टिकी मटेरियल हम किससे कंट्रोल करने में लगाते हैं, दैट इज योर मैंगो मिली बग। ओके, नाउ शेकिंग द बीटिंग द नीम ब्रांचेज, जो हम नीम की ब्रांचेज हैं उन्हें जब बहुत ज़्यादा तेज तेज शेक करते हैं और बीट करते हैं तो ये आपको किससे बचाते हैं, दैट इज़ योर वाइट ग्रब, ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, जो आपके वाइट ग्रब है उसके रिमूवल ऑफ द एडल्ट ऑफ वाइट ग्रब। नाउ एंटोलेटर, इसमें आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके से लगाते हो जिससे जो आपके स्टोरेज ग्रेन पेस्ट होते हैं उनको आप जो है कंट्रोल करते हो।
ठीक है, वहीं आप देखोगे रैपिंग कर देते हैं फ्रूट्स फ्रूट्स की, ठीक है, रैपिंग ऑफ फ्रूट्स ऑन ट्री, फ्रूट्स को जो आप पेड़ में रैप कर देते हो जिससे कि अना बटरफ्लाई से वो प्रोटेक्ट हो सके। ओके, वहीं हम वाटर बैरियर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ आंट पैंस अगेंस्ट आंट वगैरह के लिए, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी पेस्ट फ्रॉम फॉरनर अलॉन्ग विद एक्सपोर्ट बाई इम्प्लीमेंटिंग क्वारंटाइन मेजर, यानी कोई भी फॉरन कंट्री से क्या करना होता है, अपने कंट्री में जो भी पेस्ट है उसको आने से उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं क्वारंटाइन मेजर, ठीक है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी पेस्ट फ्रॉम द फॉरन अलॉन्ग विद द, किसी भी तरीके से वो आ सकता है एक्सपोर्ट के थ्रू, है ना, वो अगर आ गया इम्प्लीमेंटिंग उसको ला, मतलब किसी तरीके से आप उसे ले आए हो तो उसको रोकना, वो आपके किसमें आता है क्वारंटाइन मेजर्स के अंदर आता है, जब आप किसी पेस्ट को अपनी कंट्री में आने से रोकते हो ना। कुछ कुछ पेस्ट कैसे होते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस्ड हो गए यानी आपकी कंट्री में आ गए हैं किस तरीके से, यानी फॉरन कंट्री से, यानी आपकी कंट्री में नहीं थे वो पेस्ट लेकिन बाहर की कंट्री से के थ्रू क्या हो गया, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हो गए हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल देखो तो सबाबुल साइलेट जिसका नाम है हेटेरोसाइला क्यूबाना, इंपॉर्टेंट है, दैट इज सबाबुल साइलेट जो आपका नाम है हेटेरोसाइला क्यूबाना, ये जो आपका आया है, एंड आपका जो स्पायरलिंग वाइट फ्लाई है जिसका नाम है एलिरोडाइकस डिस्पर्सस, ठीक है, स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई जो है इसका नाम है एलिरोडाइकस डिस्पर्सस, ये आपके दोनों आए हैं श्रीलंका से, इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पाइरलिंग बट स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई एज वेल एट सर्वाइवल साइलेट, ये आपके कहाँ से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं। वहीं आपने देखा होगा एप्पल वुली एफिड जिसका नाम है एरिसोमा लेंजिनेरम, ठीक है, एरिसोमा लेंजिनेरम जो है ये आपका एप्पल वुली एफिड है, ये आपका यूरोप से आ गया है, ठीक है, कहाँ से आया था, एप्पल वुली एफिड यूरोप से, जिसका नाम है आपका एरिसोमा दैट इज लेंजिरम। वहीं हम देखेंगे सैनजोस स्केल जो है जिसका नाम है क्वाड्रिस्पोर्टिपस दैट इज पेरिनोसस, ठीक है, क्वाड्रिस्पोर्टिसस पेरिनोसियस ये आपका चाइना से आया, इतना पूछा जाएगा, दैट इज सैनजोस स्केल जो है ये आपका इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फ्रॉम द चाइना। एप्पल वुली एफिड कभी कभी नाम पूछ लेते हैं तो इसका नाम रखना एरिसोमा लेंजिनेरियम, सैनजोस स्केल का नाम याद रख लेना दैट इज क्वेरिडोस्पोटिटस पेरिनोसिस, ठीक है, पेरिनोसियस ये जो नेम है ये आपका सैनजोस स्केल का है, एंड आपका एरिसोमा लेंजिनेरियम ये आपका एप्पल वुली एफिड का नेम है, दैट इज एलिरोडाइकस डिस्पर्सस स्पाइरलिंग बटरफ्लाई का नेम है, हेटेरोसाइला क्यूबाना ये आपका सबाबुल साइलेट का नेम है, ठीक है, हर एक चीज़ को याद रखना कि कौन सा कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या उसके नेम है। वही हम देखेंगे जो कॉटन कुशनी स्केल है, ठीक है, ये आपका आया है दैट इज एसेरिया परचेजी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है, कॉटन कुशनी स्केल कहाँ से आया है दैट इज एसेरिया परचेनेजिया, ठीक है, एसेरिया परचेनेजी, ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है। पोटैटो ट्यूबामूथ दैट इज फाइटोथ्रीमिया ओपरक्यूलेला, ये आपका इटली से आया है, पोटैटो ट्यूबामूथ इटली से आया है, कॉटन कुशनी स्केल आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है, पोटैटो ट्यूबामूथ इटली, कॉटन कुशली स्केल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सर्पेंटाइन लीफ माइनर दैट इज लिनिमोइजा ट्राइफोली फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है, सर्पेंटाइन लीफ माइनर जो है ये आपका कैलिफोर्निया से आया है, इसका नाम है लिनिमोइजा ट्राइफोली, सर्पेंटाइन लीफ माइनर फ्रॉम योर कैलिफोर्निया यूएसए, एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी मटीरियल शुड पॉजिस फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट, ठीक है, किसी मटेरियल को आप लेके आते हैं इम्पोर्ट लाते हैं उसके पास क्या होना चाहिए, एक फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ना डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन जो आया था ये आपके 1946 में आया था, जिसमें आपने जितने भी क्वारंटाइन मेजर्स होते हैं उसको अपनाना होता है, इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, किस टाइम पे 1946 में ये आपका आया था। वहीं देखेंगे जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट है HPR, इसके फादर कौन है, RH पेंटर, ठीक है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के फादर हैं RH पेंटर। वहीं आज दैट इज HPR, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी हेरिटेबल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट विच इन्फ्लुएंसेस द डैमेजेस बाय इंसेक्ट, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं डैमेज बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट डैमेज को, ठीक है, सो दीज आर योर होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ओके, सो ये था आपका आज का सेशन जिसमें आपके जितने भी किसके क्वेश्चंस थे हमने जो दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रिमेनिंग आपके आगे क्वेश्चन हमने कंटिन्यू करे हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपको डेली यहाँ पे जैसे तरीके की वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक्स करने हैं, फॉलो करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, एंड जितने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, वहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट होना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस इज योर एग्री विद स्पार्क।